हजारीबाग कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में कृषि से जुड़े सभी विभागों के पदाधिकारियों में एक बैठक की, जिसमें कृषि उत्पादन को इनाम के माध्यम से जोड़कर कैसे किसानों को उनके फसल का बेहतर लाभ दिया जा सके। इसके अलावा कृषि उत्पादन समूह बनाकर किसानों में समन्वय स्थापित कर उनके आय को बेहतर बनाने के प्रयास कैसे किए जा सके, इसको लेकर विस्तृत चर्चाएं की गई। बैठक में मुख्यतः जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, नाबार्ड के अधिकारी, आत्मा के अधिकारी एवं कृषि उत्पादन बाजार समिति हजारीबाग के सचिव मौजूद रहे। हजारीबाग के किसानों के लिए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि इस बार किसानों को कोरोना वायरस हुए नुकसान की भरपाई बेहतर योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा लिया जाएगा। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से रवि शर्मा की रिपोर्ट। बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य रहा? आज की बैठक राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम और किसान उत्पादक समूह FPO कैसे कार्य करेंगे इनाम पर, इसके संदर्भ में यह बैठक बुलाई गई है। साथ ही इस बैठक में किसान उत्पादक समूहों का गठन और कृषि आधारभूत निधि के उपयोग के संदर्भ में दिशा निर्देश तय करने के लिए बैठक बुलाई है, जिसमें जिला के सभी कृषि से संबंधित, मत्स्य से संबंधित और नाबार्ड के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और इस पर गहन मंथन चल रहा है। और क्या कुछ मतलब बेहतर सजेशन इसमें लिया गया? हम लोग ये अभी तय कर रहे हैं कि प्रखंड वाइज और फसल उपज आधारित FPO का गठन करें, ताकि सीमांत किसानों को जोड़ के उनको उनके उपज का अधिकतम मूल्य दिलाया जा सके और उनको अधिकतम बाजारों तक उनकी पहुंच बनाई जा सके। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।